गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को बाबू एसिड वे सॉल्ट में अक्रेंस एंड एक्सट्रक्शन ऑफ कॉमन सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉमन सॉल्ट कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्राप्त करते हैं। तो हेडलाइन दीजिए कॉमन सॉल्ट, किसके बारे में हेडलाइन डालिए बाबू? कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का बाबू अनदर नेम है कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। क्या फॉर्मूला होता है बाबू? NaCl होता है। कॉमन सॉल्ट को सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं या इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल साल्ट। टेबल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है कॉमन साल्ट को। अब ध्यान दीजिए, आगे हेडलाइन दीजिए अक्रेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉमन सॉल्ट। अक्रेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का एक्सट्रैक्शन कैसे प्राप्त करते हैं और निकालते हैं, कॉमन सॉल्ट कैसे निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉमन सॉल्ट। देखो पहला जो मेथड होता है कॉमन सॉल्ट का, कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। हम सी वाटर से कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं। कहां से? सी वाटर से। तो कैसे बाबू? द कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेंड फ्रॉम सी वाटर। कहां से ऑब्टेंड करेंगे बाबू? सी वाटर से हम लोग ऑब्टेंड करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर। द सन्स हीट, क्या होता है? द सन्स हीट इवापोरेट द वाटर स्लोली एंड लेफ्ट साल्ट
बिहाइंड। और चौथा बाबू लेफ्ट कॉमन साल्ट एंड कॉमन साल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड और कॉमन साल्ट क्या रह जाता है, बचा हुआ क्या होता है कि जब सन का हीट क्या होता है वाटर के ऊपर आता है तो क्या करता है वाटर को इवेपोरेट करता है स्लोली स्लोली, और साइड में क्या रहता है वाटर इवेपोरेट हो जाता है और उसके नीचे क्या रह जाता है कॉमन साल्ट बचा रह जाता है। तो क्या उसी को क्या कहते हैं, तो क्या है कॉमन साल्ट निकालने का वे है कौन सा मेथड है, इवेपोरेशन मेथड है, कौन सा सॉरी सी वाटर से इवेपोरेट करके क्या किया जाता है निकाला जाता है। अब जो हुआ एक सी वाटर से कॉमन साल्ट को निकालते हैं, अब कॉमन साल्ट फ्रॉम इनलैंड लेक वगैरह से भी निकलता है। तो देखो सबसे जो फेमस लेक है ना जहां से लार्ज क्वांटिटी में कॉमन साल्ट को ऑब्टेंड किया जाता है वह है बाबू सांभर लेक, राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है बाबू, राजस्थान में पड़ता है। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉमन साल्ट आर ऑब्टेंड बाय नेचुरल इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर का नेचुरली क्या होता है इवेपोरेट होता है। तो नेचुरल इवेपोरेशन ऑफ वाटर ऑफ इनलैंड लेक। चलिए हम लोग इसमें भी क्या होता है वाटर इवेपोरेट ही मेनली करता है। तो जो भी हम लोग कॉमन साल्ट निकालते हैं ना तो मेनली वाटर को इवेपोरेट करके निकाला जाता है, मेन वही प्रोसेस है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। एग्जाम्पल में सांभर लेक इन राजस्थान, सांभर लेक इन राजस्थान। थर्ड है बाबू कॉमन साल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपोजिट। देखो अंडरग्राउंड जिस तरीके से आपका कोयला होता है, कोयला क्या होता है जमीन के इनसाइड होता है और उसको माइनिंग करके क्या किया जाता है खुदाई करके क्या करता है कोयला को बाहर निकाला जाता है, माइनिंग करके निकाला जाता है। उसी तरीके से कॉमन साल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपोजिट, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर क्या होता है डिपोजिट होता है कॉमन सॉल्ट भी, और उसको भी क्या करते हैं हम लोग माइनिंग करके निकालते हैं। द लार्ज क्रिस्टल ऑफ कॉमन सॉल्ट ऑब्टेंड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपोजिट फाउंड इन
अंडरग्राउंड डिपॉजिट पाया जाता है अंडरग्राउंड डिपॉजिट को क्या कहते हैं? आर कॉल्ड रॉक साल्ट। किस नाम से जाना जाता है बाबू? रॉक साल्ट के नाम से जाना जाता है। इट इज माइंड। क्या किया जाता है? माइनिंग किया जाता है फ्रॉम द अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड डिपॉजिट लाइक कोयला। कोयला के जैसा इसको माइनिंग करके बाहर निकाला जाता है। जस्ट लाइक कोल। अब देखो बाबू, ये कॉमन साल्ट निकालने का मेथड हो गया ना। अब लिखो यूज ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का यूज कहाँ होता है बाबू? यूज ऑफ कॉमन साल्ट का यूज कहाँ होता है? इट इज यूज्ड किसमें बाबू? केमिकल बनाने में यूज किया जाता है। कहाँ? इट इज यूज्ड एज मेकिंग केमिकल केमिकल इन इंडस्ट्री। किसमें कहा बाबू? इंडस्ट्री में केमिकल बनाने में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, सॉरी फिर सेकंड में बाबू, इट इज यूज्ड इन मेकिंग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। थर्ड में इसका, इट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड। कॉमन साल्ट का कुकिंग फूड भी यूज होता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरर ऑफ सोप। साबुन बनाने में इसका यूज होता है। NaCl का कॉमन साल्ट का यूज कहाँ होता है बाबू? साबुन बनाने में होता है। अब उसके बाद आप लोग को लग रहा है और कहाँ यूज होता है इसका कॉमन साल्ट का? पचवा यूज होता बाबू, इट इज यूज्ड इन प्रिजर्विंग इन पिकल्स। अचार वगैरह को प्रिजर्व करने में इसका प्रिजर्व करने में इसका यूज किया जाता है। एक कॉमन साल्ट का क्या हो गया बाबू? आपका यूज हो गया। अब आइए हेडलाइन दीजिए बाबू। सोडियम हाइड्रोक्साइड, आगे हेडलाइन दीजिए।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। कास्टिक सोडा के नाम से फेमस है। द फार्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला होता है NaOH होता है, क्या होता है? NaOH होता है। अब देखो मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते कैसे? मेनली सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है वो देखिए। देखो बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड by the electrolysis of concentrated aqueous solution of sodium chloride, concentrated aqueous solution of sodium chloride। देखो कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, NaCl का aqueous solution लेते हैं और उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं बाबू? इलेक्ट्रोलाइसिस, को ब्राइन के नाम से भी जाना जाता है, कॉल्ड ब्राइन, BRINE। सोडियम क्लोराइड को ब्राइन के नाम से भी, जब हम सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। Then electricity is passed through concentrated aqueous solution of sodium chloride decomposes, किसमें डिकम्पोज होता है, किसमें डिकम्पोज टू फॉर्म, क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, जब NaCl को देखो बाबू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेते हैं प्लस वाटर,
देखो बैलेंस कैरी के लिखते हैं तो लास्ट में हम भूल जाते हैं प्लस वाटर। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मीन्स इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाया जाता है, तो ये किस में ब्रेक होता है बाबू? NaOH में ब्रेक होता है। तो कैसा देता है? दो सोडियम है तो यहाँ भी दो सोडियम होना चाहिए, एक्वस देगा प्लस Cl2 गैस देगा, अब प्लस में हाइड्रोजन गैस देगा। इसको कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है, कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। देखो दो हाइड्रोजन सॉरी दो दो चार हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन यहाँ है तो बैलेंस है, नहीं है तो दो से मल्टीप्लाई कर दो तो चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन दो सोडियम दो क्लोरीन बैलेंस हो गया बाबू। ये क्या किया बाबू? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हो, इस ये वेरी वेरी फेमस है, इसको कैसे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। कोर अल्कली किस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है? कोर अल्कली प्रोसेस। बिकॉज कोर का मीनिंग क्या होता है? क्लोरीन एंड कली क्या बनाता है? अल्कली कोर अल्कली, तो अल्कली क्या देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। क्या देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोर से क्लोरीन और अल्कली से सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसको अल्कली कहा जाता है और Cl2 को क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। इस प्रोसेस को कोर अल्कली प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको कहेगा कि बताइए कि कोर अल्कली प्रोसेस के थ्रू अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैन्युफैक्चर कैसे करोगे? तो क्या करेंगे? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और जब उसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोवाइड किया जाता है तो क्या किसमें डिकम्पोज होता है? NaOH, Cl2 और H2 में क्या होता है बाबू? डिकम्पोज होता है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाएंगे। तो चलिए बाबू अब यूज का स्टार्ट करते हैं, यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ होता है? हेडलाइन डालिए, ये तो मैन्युफैक्चर बतलाया था पिछले क्लास में। यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड,